ये देखें इसका कलर आप चाय का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चने भटूरे की रेसिपी अभी भी जारी है। भटूरे आप देख चुके हैं, अब चने बन रहे हैं, तो आप उसकी इंग्रेडिएंट्स देख लें। मैंने ये दो चने के कप लिए थे रॉ, उनको मैंने सोक किया था 5-6 घंटे। आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं इन्हें, मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ इसलिए मैंने सुबह उठ के इनको सोक कर दिया था। तो 2 कप मैंने ये रॉ लिए थे और इनको पानी में मैंने सोक कर दिया था 4-5 घंटों के लिए। उसके लिए मुझे ज़ाहिर है पानी चाहिए होगा उबालने के लिए, एक प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, थोड़ा सा धनिया चाहिए, एक हरी मिर्ची चाहिए, एक टी बैग है चाहिए आपको, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना ही डालें, इसका मैं रीज़न आपको बाद में बताती हूँ। 2 बेलीफ हैं, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, 1 सिनेमन स्टिक है छोटी मेरे पास, ऑयल 1/2 कप है, नमक 1 टेबल स्पून है मेरे पास, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून है, आमचूर मेरे पास 1 टीस्पून है, खटाई मसाला जो है 1 टीस्पून है, अदरक लहसुन 1-1 टीस्पून है, अजवाइन मेरे पास 1/2 टीस्पून है, लाल मिर्चें मेरे पास 1 टेबल स्पून है, और ये मेरे पास चाट मसाला है जो कि 1 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून मेरे पास योगर्ट है। सबसे पहले इनको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के, प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। आप इनको वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है आप प्लेन पॉट लें उसमें डालें, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं प्रेशर कुकर में इसको कर रही हूँ। चने के पानी आपने उतना डालना है कि ये तकरीबन सोक हो जाए पूरे इसमें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, इसको मिक्स करके इसको मैंने लॉक कर दिया, हाई पे रखा है अंटिल स्टीम इसकी बन जाए, फिर इसको मैं तकरीबन 20 मिनट तक इसको स्टीम में रखूंगी। स्टोव बंद कर दिया है, प्रेशर कुकर ऑन, तो देख लेते हैं कि गल गए हैं कि नहीं गले, मेरे देखें आप बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो टी बैग आपको डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं इसमें सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ टी बैग, जो आपको वो ब्राउनिश सा कलर चाहिए उसके लिए मैं डाल रही हूँ। इसको 1-2 उबाले आएंगे इसमें, ये देखें इसका कलर आप चाय का इसमें आएगा, बाकी इसमें कुछ टेस्ट फ्लेवर के लिए मैं नहीं डाल रही, सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपको डार्क करना है तो आप 2 डाल सकते हैं, देखें ऑलरेडी ये कलर ब्राउन होना शुरू हो गया। चलें ये टी बैग इसी में है और ये सिमर हो रहा है पानी जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। चलें जी, तो इसमें मेरा ये 1/2 कप ऑयल जा रहा है, ऑयल ज़ाहिर है आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें 2 इलायचियाँ गई, ये सिनेमन गया, ये बड़ी इलायची गई और ये 2 तेज़पत्ते। तो थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे उसके बाद इसमें चीज डालेंगे। तो कड़कड़ाने लग गया है, उसमें जो मसाला डाला था अभी हमने जो चॉप किए हुए प्याज है वो इसमें डाल दें। इनको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, अदरक लहसुन चला गया 1-1 टीस्पून, टमाटर जा रहे हैं, इसको मैं मीडियम पे लो पे करके और कवर करूंगी 2-3 मिनट के लिए ताकि ये टमाटर जो है गल जाए। आप देखें कि ये चनों का पानी बिल्कुल, टी बैग मेरा वो पड़ा हुआ है अभी तक मैंने निकाला नहीं है, उसको बस सिमर होने दूंगी, जब मुझे एट द एंड ये चले जाएगा ना तो उसी वक्त निकाल दूंगी। चलें
मैंने, चेक करते हैं अपने टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का हल्का आप मैश कर लें इसके साथ। चलें इसमें अब स्पाइसेस डाल दें, मैंने लाल मिर्चें डाली, चाट मसाला, ये अजवाइन, ये आमचूर और खटाई मसाला, और नमक मैं थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैं उसमें भी डाल सकती हूँ और नमक मैं हमेशा कम डालती हूँ ताकि पहले टेस्ट कर लूँ उसके बाद डालूँ। इसमें मैंने एक टी टेबल स्पून पानी डाला है ताकि ये मसाला जले ना आपका, और बस इसको आप भूनते जाएं। तीन चार मिनट इसको भूनेंगे, उसके बाद मैं इसमें दही डालना शुरू करूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके योगर्ट डालेंगे, दही, और इसकी भुनाई करते जाएंगे साथ साथ। आप देखें कि वो टमाटर और सब कुछ घुल गया है तो ग्राइंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका नहीं मिक्स होगा तो प्लीज़ आप उसे ग्राइंड कर लें अगर आपको पसंद नहीं है। तो ये बाकी का जो सारा योगर्ट है ये भी इसमें चला गया। यहाँ पे मैं स्टोव को ऑफ कर रही हूँ और ये टी बैग निकाल रही हूँ। आप देखें कि चने कितने नरम हो गए हैं ऑलरेडी। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा कुछ नहीं डाला था। अगर आपने देसी में बॉईल करने तो आप मीठा सोडा डाल के कर लें, लेकिन उसमें टाइम लगता है तो आप प्रेशर कुकर में कर लें, वरना आप कैन के भी यूज़ कर सकते हैं। सोडा मैंने इसलिए भी नहीं डाला था कि उसमें से एक स्मेल सी आती है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मीठा सोडा मैं इस वजह से नहीं डालती इसमें। तो आप देखें कि मसाला भुन रहा है, अभी भूनते जाएंगे थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। हमारे खानों में सबसे ज़्यादा मसाला, अगर मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से ना हो तो उसमें एक कच्चापन आता है, वो फ्लेवर नहीं आता उस मसाले का। तो प्लीज़ इस टाइम पे इसको टाइम दिया करें, थोड़ा 3-4 मिनट अच्छी तरह इसको पकने दिया करें। मसाला देखें कि घी जब ऊपर आपका ऑयल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका मसाला बन गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब आप इसमें अपने चने शामिल करते जाएँ। आप देखें कि ये ऑलरेडी थिक हो गया है क्योंकि चने इतने गले हुए थे और सब कुछ था, इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इनका ब्राउनिश कलर आ गया है। यूजुअली सालन और चने जो दूसरे होते हैं उनका कलर ब्राउन होता है और रेड होता है, लेकिन इनका ब्राउनिश ब्राउनिश सा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूंगी, आधा टी स्पून था ये मेरे पास, ये एक हरी मिर्ची थी मेरे पास वो डाल दी मैंने। और इस टाइम पे आप अपना नमक प्लीज चेक कर लें, जो आपको नमक का हिसाब चाहिए वो डाल लें आप इसको। ये हरी धनिया डाल लें इसमें,
ओके, चने आपने देख लिए थे, रेडी हो गए हैं। अब ये भटूरे उसके लिए बन रहे हैं। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये लग चुकी है, आप उसमें जाके देख लें और बना लें। मैं इसके साथ टेस्ट टेस्ट करूंगी अभी, तो वेट करें। भटूरे भी रेडी हो गए हैं, तो अब टेस्ट टेस्ट का टाइम आ गया है, आपका फेवरेट टाइम और मेरा भी फेवरेट टाइम, जो इतना टाइम लगाया है उसमें देखें कैसे बने। ये देखें भटूरों को कि कितने सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। ये देखें देखें कैसे इसके पट निकल रहे हैं। इसकी रेसिपी आप देख चुके होंगे पहले, अगर नहीं देखी है तो अभी आप जाके देख लें ताकि आप पूरी रेसिपी बना सकें। तो चलिए टेस्ट टेस्ट करते हैं। जबरदस्त, उधर का मुंह खुला हुआ है। बिस्मिल्लाह। चलें आप जाके रेसिपी को ट्राई करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने का। आप जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।